दिस इज सेल्फी टाइम, दिस इज सेल्फी टाइम। ठीक है, सारे के सारे भक्त करें तो 2023 के छठ पूजा 19 और 2023 के छठ पूजा में इसका जल अर्पण करने के लिए खत्म होगा। चार बज के 33 मिनट का टाइम बताया है, 4:33 में भगवान सूर्य को आर्त देंगे, उसके बाद छठ पूजा 19 मई का संपन्न होगा। हम लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं? भगवान सूर्य है, उसका पूजा अर्चना करता है, और माँ छठ मैया है, दोनों भाई बहन है। मनोकामना पूर्ण होने के लिए हम लोग हर साल कुछ ना कुछ व्रत उपवास करते हैं। शुरुआत हम लोग नहा खा के करते हैं, और ये 19 मई को भी जल अर्घ देंगे भगवान सूर्य को, और 20 मई वीडियो गाना चलो कब देखने के लिए मानेगा। हर साल की बात है, इस साल भी हम लोग छठ पूजा मनाने के लिए 2023 का 19 नवम्बर को आया छठ पूजा में। पिछला साल हमको एक चीज़ हमें नज़ारा देखने को नहीं मिला था, अभी हम लोग को एक नज़ारा पहली बार देखने को मिला। मेरे पीछे शायद आपके और मम्मी को बड़ा वाला रुकी दिया था, मोटा वाला दे दो वाला। हाँ बोलो बाबू। जैसे समय समय आ रहा है, 4:33 मुझे भगवान सूर्य का अर्घ देगा, उसी प्रकार लोग जो तट पर अभी करीब 12 बजे 1 बजे 2 बजे को 11 बजे आकर के बैठा हुआ था, इस भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए छठ पूजा मनाने के लिए बहुत सारे भक्तधारी अभी भी अनाउंस करके बार बार यही बताया जा रहा है 4:31 में से भगवान सूर्य को अर्घ देने का। 2023 का अभी हम लोग छठ पूजा संपन्न करके पास घर की तरफ जा रहा है। मेरा जिम्मेदारी मिला है, मुझे बनाना पकड़ के गाड़ी तक लेकर के जाना है, कि शहर चार भाई है, बड़ा भाई सबसे पहले टोकरी लेकर के गया है, इस प्रकार का टोकरी का नजारा देख लीजिए, सब कोई जा रहा है। मेरा मन तो कभी इस प्रकार का भीड़ भड़क का होता है 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा रुक जाइए, इससे क्या